सोलन के नौणी में स्थित कोविड केयर सेंटर रोगियों की पहली पसंद बन चुका है। ये बात जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने मीडिया को, उन्होंने बताया कि नौणी कोविड केयर सेंटर यहाँ रोगी बीबीएन से भी यहाँ आकर अपना इलाज करवाना पसंद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नौणी के कोविड केयर सेंटर में सभी सुविधाएं मौजूद हैं। साफ सफाई का बेहद ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर स्टाफ रोगियों के साथ परिवार के सदस्य की तरह रहते हैं। रोगियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए यहाँ का स्टाफ उन्हें मानसिक रूप से कमजोर नहीं होने देता। अधिक जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने बताया कि सोलन के कोविड केयर सेंटर नौणी में वर्तमान में 21 कोरोना संक्रमित भर्ती हैं। यहाँ दो चिकित्सक, दो नर्सेस के साथ अन्य स्टाफ भी अपनी सेवाएं देते हैं। ये सभी दिन रात वहीं रहते हैं। ये 7 दिनों तक रोगियों का इलाज करते हैं और फिर 7 दिनों तक उन्हें क्वारंटीन किया जाता है। उसके बाद उनका कोविड टेस्ट किया जाता है। उसी के बाद उन्हें घर पर भेजा जाता है। उन्होंने बताया कि इस कोविड सेंटर की अच्छी सेवाएं देखकर रोगी यहीं पर आना पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सेंटर में केवल 3 ही मरीज ऐसे थे जो 25 दिनों तक भर्ती रहे, अन्यथा कुछ ही दिनों में यहाँ कोरोना संक्रमित लोग आकर पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं। जो हमारा कोविड केयर सेंटर सोलन के नज़दीक नौनी में बनाया गया है, उसमें इस समय आज की डेट में हमारे पास 21 पेशेंट्स हैं जो एडमिट हैं, जो कि कोविड-19 पॉजिटिव है। ये सारे के सारे एसिम्प्टोमेटिक हैं और यहाँ पर हमारी जो टीम्स सेवाएं दे रही हैं, उनमें हर एक टीम में हमारे दो दो डॉक्टर्स होते हैं, दो स्टाफ नर्सेज होती हैं, एक हमारी वार्ड सिस्टर होती है, दो क्लास 4 होते हैं, साथ में सफाई कर्मचारी हैं। इन सब के रहने का इंतज़ाम भी वहीं किया गया है साथ में, ताकि कि ये 7 दिन तक वहाँ पर लगातार ड्यूटी करने के बाद इनको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। क्वारंटाइन के लिए इनको सेपरेट जगह रखी गई है जहाँ पर ये 7 दिन रहते हैं। 7 में से 5वें दिन इनका सैंपल किया जाता है ताकि 7वें दिन इनकी रिपोर्ट्स आ सकें और हम इनको बता सकें कि ये लोग नेगेटिव हैं, और 7वें दिन इनको फिर घर भेजा जाता है ताकि ये 7 दिन अपने घर में रह सके। इस समय जो मेरे पास एडमिशन्स हैं वो 21 जो हैं वो पॉजिटिव केसेस हैं, और तकरीबन जो भी लोग वहाँ पर आ रहे हैं वो 10, 15 या 20 दिन में, ऑलमोस्ट 20 दिन में वो ठीक होकर चले जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो 20 से ज़्यादा दिन उनको वहाँ लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है बहुत अच्छा है और लोग भी वहाँ पर, बाकी इवन जो बद्दी से लोग हैं वो भी पेशेंट कई बोलते हैं कि हमने वहाँ शिफ्ट होना है। सर, ऐसे कितने पेशेंट नौणी में हैं जो अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं, जो कि बहुत पहले से हॉस्पिटल में हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? सिर्फ हमारे पास 3 पेशेंट्स नौणी में ऐसे रहे हैं जो 25 दिनों के साथ ज़्यादा जिन्होंने काटा है वहाँ पर, मगर जिसमें देखा जाए कि वैसे 20 दिन के बाद या 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद ये नेगेटिव हो जाने चाहिए, मगर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डेड वायरस जो है वो आता रहेगा, क्योंकि आरएनए हमने जो निकलता है जिसके द्वारा, आरएनए के द्वारा टेस्टिंग की जाती है, तो डेड वायरस से भी आरएनए डिटेक्ट किया जा सकता है।